पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आज मधुसूदनगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी और अमित शाह पर बरस पड़े। इस मौके पर दिग्विजय सिंह बोले कि जो व्यक्ति सोने के तारों से जड़ा हुआ सूट पहनता है, वह गरीब कैसे हो सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए थे, वह आज तक पूरे नहीं किए। वहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी के समय में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, ऐसा वह नहीं कहते। वहीं डॉक्टर यतेंद्र ओझा का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि अमित शाह के सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा नोटबंदी के समय काला धन एकत्रित हुआ। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर को केवल चुनावी जुमला बनाकर रखते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नोट और वोट ही सब कुछ हैं। साथ ही खुद को धर्म विरोधी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं जय श्री राम नहीं बोलता, मैं सीताराम बोलता हूँ, क्योंकि हम सीता माता को नहीं छोड़ सकते, जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पहले छोड़ चुकी है। वहीं उनके धार्मिक ना होने की बात पर उन्होंने कई सारे प्रमाण भी जनता के सामने रखे। जिसपे सोने का धागा लगा हुआ हो लाखों रुपए का, ऐसा सूट पहनते हैं, मैं गरीब आदमी, कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदार बन के रखूंगा, लेकिन आज हालत ये हो गई है, उनके बारे में नारा लगता है चौकीदार चौकीदार। ये जनता कह रही है आज पूरे देश की, नरेंद्र मोदी जी, और मेरा ये आरोप है कि अमित शाह के सहकारी बैंकों में नोट की अदला बदली में लगभग 750-800 करोड़ उनके पास पहुंचे 15 दिन के अंदर, नए नोट, पुराने नोट 1 करोड़ जमा करो उनके पास और 67.5 लाख नए नोट ले लो, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, डॉक्टर यतीन ओझा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने ये आरोप लगाया था। उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे चौकीदार हैं जो कि जनता को लूटने का पूरा मौका दे रहे हैं और बड़े भाव से कहते हैं अगर किसी को तकलीफ हुई तो मुझे चौराहे पे खड़े करके मुझे जो दंड देना है दे देना। नरेंद्र मोदी जी उस चौराहे का पता लगा बता दो जिस पर हम आपकी सेवा कर सकें। आपका स्वागत होगा अगर मकसूदनगढ़ चौराहे पे खड़े होकर आ रहा कि झूठों की सरकार अब ना चलने दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन पूरा ले आऊंगा, इतना काला धन आ जाएगा कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। खाते में रकम तो आई नहीं। अब प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल जाए कोई उम्मीद कर सकता है? लेकिन झूठ बोले, कौन सी बात सही बोले? चुनाव आते हैं तो राम मंदिर याद आ जाता है, चुनाव खत्म हो जाते भगवान राम तो भूल जाते हैं। मुझ पर आरोप लगाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जय श्री राम नहीं बोलते। मैं कहता हूं हां भाई, मैं जय श्री राम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि तुम लोग सीता जी को क्यों छोड़ देते हो। मैं तो जय सिया राम बोलता हूं। सीता जी को तुम छोड़ सकते हो, हम लोग सीता जी को थोड़ी छोड़ सकते हैं, इसलिए वो बोलता हूं जय सिया राम। ये केवल राम जी के नाम पर चंदा उगाई और वोट, नोट और वोट केवल धर्म का इनके आधार है, धार्मिक नहीं है। कौन नहीं जानता कि राघोगढ़ का नाम राघो जी के नाम से है? कौन नहीं जानता कि राघो जी के मंदिर में, जगदीश जी के मंदिर में, राघोगढ़ में ज्योत नहीं जलती है? हनुमान जी के मंदिर में ज्योत नहीं जलती, माता जी के मंदिर में ज्योत ना जलती है, सेवा ना होती है, फिर भी मुझे कहते हैं कि मैं धर्म विरोधी हूं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, नोटबंदी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोदी जी ने और अमित शाह ने किया है, सबसे बड़ा। अरे आपकी गाड़ी कमाई का पैसा, एक एक हजार रुपए का नोट 700-800 रुपए में बिका है कि नहीं बिका है? 500 रुपए का नोट 300-400 रुपए में बिका के नहीं बिका? किसके जेब से पैसा गया? आम आदमी की जेब से पैसा गया, आपकी जेब में से पैसा गया। और किसकी जेब में गया? दलालों की जेब में, भाजपा के नेताओं की जेब में। बड़े बड़े लोगों के घर में तो बैठे नोट बदल गए, गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। भाजपा के राज में चाहे खाद का लोगों की जेब में, भाजपा के नेताओं की जेब में। बड़े बड़े लोगों के घर में तो बैठे नोट बदल गए, गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। भाजपा के राज में चाहे खाद का बोरा लेने हो तो लाइन में खड़े रहो। और नोटबंदी में नोट लेना है तो भी लाइन में खड़े रहो। पूरी जनता को इन्होंने 5 साल में लाइनों में खड़ा करके समय बिता दिया। आज भी यूरिया के लिए परेशान है, मैं देख रहा था